हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर एस सी ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आईटीआई के आर एस सी ट्रेड थ्योरी से है, जो कि आर एस सी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस क्वेश्चंस को। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इमर्जिंग और इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चंस के आंसर पहले से मालूम थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकीय का प्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए कार्नोट ने, ऑप्शन बी चार्ल्स ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने और ऑप्शन डी रुडोल्फ क्लॉसियस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुडोल्फ क्लॉसियस ने। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किस मापक यंत्र को दर्शाया गया है? यह जो आपको फिगर दिख रहा है, यह क्या चीज़ है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड थर्मामीटर, ऑप्शन बी फॉरेनहाइट थर्मामीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेंटीग्रेड थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेग मापन यंत्र है? ऑप्शन ए साइक्रोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी एनेमोमीटर और ऑप्शन डी माइक्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनेमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस दाब पर गेज शून्य दर्शाता है? ऑप्शन ए निर्वात दाब, ऑप्शन बी क्रांतिक दाब, ऑप्शन सी परम दाब और ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब पर गेज जो है वह शून्य दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में किस रेफ्रिजरेशन उपकरण को दर्शाया गया है? यह जो फिगर है यह कौन सा है? ऑप्शन ए चार्जिंग मीटर, ऑप्शन बी निर्वात पंप, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट चार्जर और ऑप्शन डी कंप्रेसर ऑयल चार्जिंग पंप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट चार्जर है ये। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित उपकरण की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए हैलाइट लीक डिटेक्टर, ऑप्शन बी निर्वात पंप, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेंट रिकवरी रिसाइकलिंग स्टेशन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन बी सक्शन वाल्व, ऑप्शन सी डिस्चार्ज वाल्व और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्सपेंशन वाल्व जो है वो बाधा उत्पन्न करता है रेफ्रिजरेंट के प्रवाह में। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन किस प्रकृति की विधि है? रेफ्रिजरेशन किस प्रकृति की विधि है? ऑप्शन ए नियमन, ऑप्शन बी कूलिंग, ऑप्शन सी तापांतर और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेफ्रिजरेशन की किस प्रकृति की विधि है वह नियमन प्रकृति की विधि है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में कूलिंग प्रभाव प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए रासायनिक विधि द्वारा, ऑप्शन बी ऊष्मा पंप द्वारा और ऑप्शन सी संपर्क विधि द्वारा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रासायनिक विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वाष्प कंप्रेसर प्रणाली में प्रक्रम होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 होते हैं। वाष्प कंप्रेशन प्रणाली में 4 प्रक्रम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वेपर एब्जॉर्प्शन प्रणाली में कंप्रेसर ऑप्शन ए का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी का प्रयोग नहीं किया जाता है और ऑप्शन सी के स्थान पर एब्जॉर्बर हीट एक्सचेंजर का प्रयोग किया जाता है या फिर ऑप्शन डी के स्थान पर एक एब्जॉर्बर जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेशन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंप्रेसर के स्थान पर एक एब्जॉर्बर एक्स जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन का एक टन होता है मतलब किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट, ऑप्शन बी 200 किलो कैलोरी प्रति मिनट, ऑप्शन सी 3000 किलो कैलोरी प्रति मिनट या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 50 किलो कैलोरी प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, कॉपर ट्यूबिंग की क्वाइल जिसमें ठंडे रेफ्रिजरेंट का प्रवाह होता है कहते हैं? ऑप्शन ए कंडेंसर, ऑप्शन बी इवापोरेटर, ऑप्शन सी थर्मोस्टेट या फिर ऑप्शन डी कंप्रेसर। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी इवापोरेटर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन चक्र के एक्स भाग की पहचान कीजिए। ये जो एक्स भाग आपको दिख रहा है यह क्या चीज़ है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इवापोरेटर, ऑप्शन बी एक्सपेंशन वाल्व, ऑप्शन सी कंडेंसर और ऑप्शन डी कंप्रेसर। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं कि ये क्या है। वह जो हमारा एक्स भाग दिखाई दे रहा है यह एक इवापोरेटर है। अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन प्रणाली में कौन सा भाग आवश्यक है? ऑप्शन ए एब्जॉर्बर, ऑप्शन बी कंडेंसर, ऑप्शन सी जनरेटर या फिर ऑप्शन डी कंप्रेसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंप्रेसर। जी हाँ, कंप्रेसर जो है रेफ्रिजरेशन प्रणाली का हार्ट माना जाता है, यानी दिल माना जाता है, यह बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ को वायुमंडल के संपर्क में रखने से क्या होता है? ऑप्शन ए सब्लिमेंट, ऑप्शन बी पिघल कर पानी बनना, ऑप्शन सी पानी बनकर उबलने लगना या फिर ऑप्शन डी सॉफ्टी के समान बर्फ बनना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सब्लिमेंट। अगला क्वेश्चन है, मौसम के पूर्व अनुमान के अवलोकन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी सिज्मोमीटर या फिर ऑप्शन डी डीबीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैरोमीटर, जो है मौसम के अवलोकन के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होने वाली इनर्ट गैस का नाम क्या है? रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग इनर्ट गैस होती है उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन चक्र में ताप प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए उच्च तापमान से कम तापमान की ओर, ऑप्शन बी कम तापमान से उच्च तापमान की ओर, ऑप्शन सी कंप्रेसर से इवापोरेटर की ओर या फिर ऑप्शन डी तरल लाइन से इवापोरेटर की ओर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम तापमान से उच्च तापमान की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए दाब पर कंडेंसिंग तापमान से कम पर रेफ्रिजरेंट के ठंडा होने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए सब हीटिंग, ऑप्शन बी सब कूलिंग, ऑप्शन सी सब मिक्सिंग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सब कूलिंग, जो है रेफ्रिजरेंट के ठंडा होने की प्रक्रिया को ऑप्शन सब कूलिंग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू फ्रेंड्स।